प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिसमें वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमेरिका दौरा रहा उस पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कंडक्टर को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, स्ट्रॉन्ग इंडिया जापान टाइज को लेकर के, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उन्होंने जिस हिसाब से बात किया उसमें वो ट्रीटी और बायलैटरल की बात थी। क्योंकि सेमीकंडक्टर हब, आपको याद होगा कि मैंने इस बारे में आपके साथ डिस्कशन 2023 में किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेमीकंडक्टर को लेकर के 2023 में मैंने बात किया था। आप सोचो कि मैंने आपको पहले ही यह जानकारी दे दी थी। सेमीकंडक्टर हब जिस हिसाब से बन रहा है और जिस हिसाब से अमेरिका के साथ मिल करके भारत इस पर काम कर रहा है, आप सोचो कि इकोनॉमी हमारी जो अभी पांचवें नंबर पर है वो जंप करके तीसरे नंबर पर आने में मुझे लगता है 8 से 9 महीना है, बस सिर्फ 8 से 9 महीना। अच्छा जी, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एक और अनाउंसमेंट किया जहां पाकिस्तान, ईरान जैसी जगह, तुर्किस्तान जैसी जगह, अफगान जैसी जगह, अफगान नहीं, अफगान आगे बढ़ चुका है, आप लोग 2G पर गुजारा कर रहे हैं, आप लोग 3G पर गुजारा कर रहे हैं, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है हमारे भारत में 6G पर, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है 6G पर। अब इसके 2-3 महीने के बाद जब मैं आपसे जुड़ूंगी तो मैं 6G के साथ जुड़ूंगी और आप अटकती लटकती रहिएगा, सॉरी मैम फिर से अटक गई मैं। तो देखो, जज्बा बहुत अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है। हमने बचपन से अनम सीखा है, हिले रोजी बहाने मौत। जब तक हम हिलते नहीं हैं हम रिस्क नहीं कमा सकते, हम इनकम नहीं कर सकते, और जब तक बहाना नहीं लगता है तब तक मौत नहीं आती है। तो अगर पाकिस्तान या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम किसी का बुरा करके हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम बहुत तरक्की कर लेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब आप अपना वक्त किसी का बुरा करने में लगाते हैं तो सामने वाला अपना वक्त अपने आप को और बड़ा करने में लगा रहा होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि आप और पीछे की तरफ और नीचे की तरफ चले जा रहे होते हैं और वो आपके सामने इतनी लंबी लकीर खींच चुका होता है कि फिर आप उसको जंप नहीं कर पाएंगे। ये आप आपसी जिंदगी में भी देखना कि जो आपका एनिमी होगा या जो मेरा एनिमी होगा, जिसने अपनी मर्जी से अपने आप को दुश्मन बना रखा है, वो आपका बुरा करने के लिए अपना पूरा वक्त आपके ऊपर जाये कर देगा, सालों साल जाये कर देगा। लेकिन अगर आप उस पर वक्त जाये कीजिएगा तो ये आपकी बेवकूफी होगी। एंड दिस इज इंडिया न्यू थॉट। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने काम करना स्टार्ट किया है, हम जानते हैं कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी, तुमको जो करना है तुम करो, बिकॉज आई एम राइट, बिकॉज आई एम ट्रूथ, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम लॉयल, मैं अपना काम आगे बढ़ाते चले जाऊंगी। और एक पोजिशन आता है कि सामने वाला इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम इसका इतना बुरा कर रहे हैं पर बुरा तो हो ही नहीं रहा है। एंड द सेम थिंग इज हैपेंड विद पाकिस्तान, एंड द सेम थिंग इज हैपेंड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का बुरा करने के चक्कर में पिछले 77 साल से अपने आप को इतना पीछे खींच चुका है, इतना खींच चुका है कि अब पाकिस्तान की सरकार खुद अपने देश पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रही है। पाकिस्तान ने भारत को चढ़ाने के लिए, भारत को तकलीफ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में रह रहे 23% हिंदुओं को खत्म कर दिया। लेकिन उसका दशा देखिए
कि आज पाकिस्तान में मुसलमान डॉक्टर की ब्लास्फेमी हो रही है, आज पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद को माफी मांगना पड़ रहा है ब्लास्फेमी के नाम पर। तो अब लोग इनको भी नहीं छोड़ रहे, हम कलमा को भी नहीं छोड़ रहे। एक्सटेंसिव डिस्कशन पीएम की हुई है और बहुत चेरिश टाइप से फ्रेंडशिप एक रिलेशन जो है वो जो बाइडेन के साथ दिखाई दिया है। हालांकि एक एक मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि फिर से जो बाइडेन भूल गए थे, वो जो बाइडेन को जो भूलने की बीमारी है वो बड़ी अजीब है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डिजीज है और काफी लोगों में ये डिजीज हो जाता है, किसी को भी टाइम होता है, किसी को बहुत पहले हो जाता है। तो उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बैलेंस किया। और एक चीज और बहुत खूबसूरत चीज हुई है इस बार, जब एक डिस्कशन चल रहा था अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक के साथ, तो पुष्प का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पुष्प कमल कह सकते हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह भी है कमल, कमल का। तो पुष्प का उन्होंने कहा कि पी प्रोग्रेसिव भारत, यू अनस्टॉपेबल भारत, एस स्पिरिचुअल भारत, एच ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी प्रॉस्पेरियस भारत। मैंने आई थिंक अनम मैं पाकिस्तानी चैनल पर पिछले 1.5 साल से बैठ रही हूँ और मैंने भारत में मुसलमानों के सही चरित्र को पाकिस्तान को दिखाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के कई पुरुष और मुस्लिम महिला जो हैं वो मेरे विरोध में उतर गए और मेरा गला रेतने की भी कोशिश और साजिश की गई, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को भारत में रह रहे मुस्लिम पुरुषों का सही जो छवि है, उनका जो सही चरित्र है वो मैंने दिखाया। पर मैंने हमेशा एक बात रखी है कि भारत में जितने भी सनातनी हैं, उन सनातनियों में से 90% जो सनातनी होते हैं वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखते हैं। ये मैंने हमेशा बोला है, आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, एच फॉर। तो ये जो पुष्प का उन्होंने जो फुल फॉर्म बताया, उसके बाद जो तालियां बजी हैं, आई स्वेयर, मतलब पीपल आर लाइक क्रेजी। उसके बाद फिर अनाउंस किया गया क्वाड में कि कैंसर की बीमारी जो बहुत ज्यादा मून शूट कर रही है, उसके बाद कैंसर जो अराउंड द वर्ल्ड फैल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, वन टेररिज्म कैंसर एंड सेकेंड कैंसर जो डिजीज होता है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरे तरीके से फैल रही है, इसका भी एक प्रॉपर और एक क्योर का तरीका जो है वो निकालने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। उसके बाद फिर कल्चरल कनेक्ट के बारे में बात किया है मोदी जी ने। कल्चरल कनेक्ट के बारे में मोदी जी ने कहा है कि आज नमस्ते ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया जब भारतीय पासपोर्ट देखती है और भारत के लोगों से मिलती है तो सीधा कहती है नमस्ते, अगर वो फॉरेनर होते हैं तो भी नमस्ते, अगर वो अरबी होते हैं तो भी नमस्ते, अगर वो अफ्रीकन होते हैं तो भी नमस्ते। तो ये नमस्ते जो है ना, वो कल्चर को पूरी, मेरे भारत के कल्चर को पूरी दुनिया में फैल चुका है। और ये कल्चर कनेक्शन जो होता है वो हमारे भारत से जुड़ रहे देश जो ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन से जो जुड़ते हैं, वो खूबसूरत रिश्ता जो है वो फैमिली वाला रिश्ता होता चला जाता है, एक फॉर्मल रिश्ते से फेमिलियर रिश्ता होता चला जाता है। यूएस गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत बधाइयां दी हैं, जो बाइडेन जी ने और फर्स्ट लेडी ने घर पे इनवाइट किया डिनर पे, उनका डिनर हुआ और जो बाइडेन जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अपना स्कूल दिखाया कि इस स्कूल में मैं पढ़ता था पहले। तो ये सारी चीजें जो है ये एक फैमिली रिलेशन होता हुआ दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, जिससे पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, जिससे पाकिस्तान को लग रहा है कि हाय ये भारत के साथ क्यों हो रहा है। तो भारत के साथ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि भारत में 79% पॉपुलेशन शिक्षित है। हमारे यहाँ से लोग अरब भीख मांगने नहीं जाते, वो आपके यहाँ से जाते हैं। हमारे यहाँ से लोग पत्थर तोड़ने नहीं जाते, वो आपके यहाँ से जाते हैं। हमारे यहाँ से लोग लड़की छेड़ने या रेप करने नहीं जाते, वो आपके यहाँ से जाते हैं।
इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है कि पाकिस्तान का जो कोई भी टूरिस्ट वीजा पर आता है या तो वो रेप करता है, या तो वो मोलेस्टेशन करता है, या तो वो लव जिहाद करता है, या तो फिर वो जिहाद करता है, या तो फिर वो तबलीग करता है, या तो फिर वो चोरी करता है, या तो फिर वो डकैती करता है, या तो फिर वो स्नैचिंग करता है, या तो फिर वो किसी के साथ झूठ और बेईमानी करता है, या तो फिर वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। और रेप तो मतलब पाकिस्तानी पुरुष इतना कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं, और क्योंकि अब डिजिटल हो गया है ना जमाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत की बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी खूब तारीफ की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।